देखो इधर निकल, इसमें लगा, इसमें लगा। I'm Nishita Mishra from Vikas English Medium High School. Our guidance teacher name is Vikas Shukla. And here we are going to present our project on waste management, that is how to detect dengue at 0 rupees. So here we are going to start our project. तो जैसा कि हम लोग जाते हैं, अगर लैब वगैरह में हम लोग जाएंगे तो हम लोगों का ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड लेने के बाद वो लोग ऐसे टेस्ट ट्यूब्स में रखते हैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब्स में वो लोग रखते हैं। लेकिन हम लोग ये सब मेडिकल कैंपिंग रूरल एरियाज़ के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो फिर हम लोग ऐसे रिफ़िल्स में रखेंगे इसको, रिफ़िल्स में हम लोग ब्लड रखेंगे। वो लोग लैब वाले क्या करते हैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब्स में ब्लड रखने के बाद यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मशीन है जो लैब वगैरह में रहता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 to 12,000 का आता है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल के वो लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, लेकिन हम इसकी मदद से उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे क्योंकि इसका आरपीएम और हमारे सेंट्रीफ्यूगल मशीन का आरपीएम सेम है। तो इसको जब हम लोग रोटेट करेंगे तो भी, तो ये भी वैसे ही ब्लड सेपरेट करेगा जैसे हमारा सेंट्रीफ्यूगल मशीन करता है। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा भी खर्चा भी नहीं लगेगा और हम लोगों को इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी उतने ही स्पीड से घूमता है जितने स्पीड से हमारा सेंट्रीफ्यूगल मशीन घूमता है। तो इसकी मदद से हमारे जो ब्लड है वो सेपरेट हो जाएंगे, मतलब पहले हमारे ब्लड ऐसे रहेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब मिक्स रहेंगे, लेकिन सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वो ऐसे हो जाएंगे, नीचे हैवी पार्टिकल, बीच में मीडियम पार्टिकल और सबसे ऊपर सीरम। अगर हम लोग असली ब्लड की बात करें तो वो कुछ ऐसा होता है, सबसे ऊपर जो पेल येलो कलर का है वो है हमारा सीरम। तो सीरम को जब हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप चेक करेंगे तो अगर हम लोगों को क्लस्टर ऑफ डॉट्स का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, क्लस्टर ऑफ डॉट्स अगर हमें दिखाई दिए जो कि डेंगू के पैरासाइट्स है, तो मतलब उस पर्सन को डेंगू है। अब माइक्रोस्कोप कैरी करना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिसके लिए इसीलिए हम लोगों ने पॉकेट माइक्रोस्कोप बनाया। ये पॉकेट माइक्रोस्कोप बहुत यूज़फुल है, हम लोग इसे स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका ज़रा भी कॉस्ट नहीं लगा है। इसलिए हम लोग ये लेंस बनाना, मतलब MR वैक्सीनेशन का कार्ड यूज़ किया गया है इसमें और ये लेंस यूज़ किया गया है। तो इसकी मदद से हम लोग स्लाइड के अंदर का स्पेसिमेन देख सकते हैं। थैंक यू।